तो जय श्री राम भाई, क्या हो आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ त्रिवेणी घाट से, क्योंकि शाम को ना हम वहाँ से वापस आ गए थे मेरे सोनप्रयाग से, तो बस मिल गई थी और सुबह हम पहुँच गए थे इधर हरिद्वार, फिर वहाँ से ट्रेन ली और ऋषिकेश पहुँच गए और ऋषिकेश से आगे त्रिवेणी घाट। मतलब नहीं तो आज हमने उधर आना था बद्रीनाथ, लेकिन बंदा जो साथ आया ना उसको थोड़ी टांगों में दिक्कत हो गई है, चला नहीं जा रहा उससे। तो शाम को है ट्रेन अपनी, तो थोड़ी देर मैं सोचा थोड़ी देर नहा ही लेते हैं, अभी तो दो तीन डुबकी लगाई हैं तो जा रहा हूँ, लड़ती गर्मी बहुत हो रखी है। चलो आपको दिखाता हूँ यार त्रिवेणी घाट। चलो भाई गंगा नहाने के बाद अब हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। भाई धूप बहुत है, जब तक पानी में से तब तक ठंड लग रही है और अभी लग रही है गर्मी, देखो कितनी धूप। तो भाई यहाँ की गर्मी बड़ी गंदी है यार कसम से। अभी यहाँ पे ढाबे पे बैठे आके 12 बज गए हैं यार, अभी रोटी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यार, गर्मी है थोड़ा यार, ये बात ही नहीं करते हैं सीधे, देखते हैं क्या आता है, तो ठीक है नहीं तो फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो भाई अपनी खाली आ गई है कितनी बड़ी, करते हैं शुरू, और फिर शाम को ट्रेन भी है अपनी, जो भाई खीर भी है स्वाद आएगा आज, महंगी भी बहुत है भाई वो देख लो। तो भाई खाना खाने के बाद अब हम बैठ गए ऑटो में और जा रहे थे स्टेशन। भाई गर्मी इतनी गंदी है ना क्या बताऊँ, और इन सड़कों में रहता है जाम भाई, हवा आ रही है लेकिन ऐसे गर्मा गर्म। तो भाई हमने प्रस्थान कर लिया अब ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे, और ये यहाँ का नाम मैं बताऊँ इतना मतलब अभी तक का सबसे बढ़िया वाला जो रेलवे स्टेशन है वही यही दिखा मुझे, ये शायद नया बना था अभी, लेकिन है बड़ा मस्त यार, अभी अंदर देखना इतना बड़ा है और इससे चला नहीं जा रहा है। देख लो भाई बाहर से ही कितना बड़ा है, मतलब अभी अंदर से मतलब एक ना यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई का बिल्कुल मतलब सही तरीके से रखा, मेंटेन कर रखा है, और इतना बड़ा बैठने के लिए सब कुछ ठीक ठाक नया बना तो फिर अच्छा ही बना होगा। तो पहले लेते हैं टिकट फिर देखते हैं क्या सीट रहते हैं। यो हो गई भाई अपनी टिकट, टिकट तो ठीक है यार, यहाँ पे रश इतने और भाई एक टिकट काउंटर पे मतलब एक ही बंदा काटने वाला, ये गलत लगा। चलो अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन इतना रश है तो कम से कम दो तीन बंदे होने चाहिए। टिकट हो गई है, चलते हैं अब, ट्रेन तो शाम को है, बैठना ही है। तो भाई अंदर से ऐसा है कुछ, ये स्टेशन देखने को भी बहुत बड़ा है और मतलब अच्छा भी बहुत है यार, नीट एंड क्लीन, और यहाँ पे सब कुछ मतलब ठीक ठाक ही है। बाकी यहाँ क्यों पुलिस भी यार, मतलब धूप में ऐसे जल रहे हैं ना, क्योंकि इस टाइम यात्रा बहुत और रोड पे पुलिस ही पुलिस है, क्योंकि जाम भी लगा रहता है, पुलिस वाले वही तगड़ी मेहनत कर रहे हैं दिन रात धूप में। तो यार हमारी ट्रेन अभी 5 बजे है, बज रही है अभी 3, 2 घंटे और रुकना पड़ेगा अभी। तो भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है, लग चुकी है भाई कटरा वाली, तो हम बैठ गए हैं हमें सीट, क्योंकि वही जनरल बॉक्स है, सीट पहले ही लेना पड़ती है वरना फिर यहाँ पे तक्के चलते हैं। तो चलो चलेंगे धीरे धीरे अब, तो चलो करते हैं बाय बाय ऋषिकेश को, मिलेंगे फिर जल्दी अगले साल। बहुत सुंदर स्टेशन था यार, to take
शिमला पुरी जय श्री राम। सुबह के बज रहे हैं जी और अभी हम पहुंच गए जम्मू। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे उधमपुर। यार मतलब जिस दिन हम गए थे तो यार पूरी रात गर्मी, उस साइड इतनी गर्मी है ना। अब मतलब इस साइड ये है कि सुबह सुबह थोड़ी ठंड हो जाती है। यहाँ पे मौसम ठीक है अभी तक, दोपहर को पता नहीं क्या होगा। तो भाई अगर आप जम्मू से इस साइड आओगे ना, ज़्यादातर आपको मिलेंगे ये बोल रहे थे ना हाइट वाला ब्रिज। चलो जी पहुंच गए हम उधमपुर और ये जा रही है अब सीधी कटरा। तो हम भी निकलते हैं अब घर के लिए, ऊपर से मिलेगी बस। फिर भाई वैसे ट्रिप कंप्लीट नहीं हुई हमारी, पर चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर कुछ दिनों बाद फिर से। चलो गाइस पहुंच गया मैं घर पे, नहा नू के ब्रेकफास्ट किया और अब है सोने की तैयारी। मुश्किल से अपना बेड मिला है तो करते हैं हम लोगों को यही बैंड। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। चंगा फिर बाय।